नमस्कार, मैं सलामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुंब्रा के वाई जैक्सन सीरीन विला बिल्डिंग के पास। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये किसी ज़माने में एक खूबसूरत गार्डन हुआ करता था। यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके बच्चे यहाँ पर खेलने आया करते थे। आज इस गार्डन की हालात आप देख सकते हैं कि इतनी ख़राब हो चुकी है इस गार्डन की हालात कि ये गार्डन आज खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। इस गार्डन को लेकर जो है थाने महानगर पालिका में जो है यहाँ के रहने वाले उवैस शेख ने कंप्लेन भी किया है। आइए हम जानते हैं उनसे, उवैस शेख से। उवैस शेख साहब, आपने इस गार्डन को लेकर कहाँ कहाँ पर आपने शिकायत की? जी, मैंने ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ पे मैंने फॉलोअप नहीं किया। मुझे गिराने के लिए मैं राइट्स फ्रॉम द TMC डिपार्टमेंट के जितने भी जायसवाल साहब हैं जो है उनको सबको मेल्स लिखे हैं और लेटर्स लिखे हैं जिसकी कॉपी मेरे पास है, मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा ताकि आपके पास एक्नॉलेजमेंट रहे। फिर मैंने ट्रैफिक पुलिस को दिए हैं, मैंने TMC में फिर वो सब बताइए। आपने थाने महानगर पालिका को इस गार्डन के बारे में जब जानकारी दी कि आज इस गार्डन की क्या हालत हो गई है, तो आपको वहाँ से क्या रिप्लाई मिला? पहले तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था, फिर मुझे नेट पर बहुत सारे नंबर्स डायल करने पड़े, कोऑर्डिनेट करने पड़े, फिर जाके मुझे लोगों के नंबर मिले, फिर जाके मैंने लोगों को ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद उनको मैंने बहुत फॉलोअप किया, तब जाके उन लोग यहाँ पर आए, नहीं तो फिर जैसा कितने सालों से ये जो चल रहा है। थाने महानगर पालिका के लोग यहाँ पर आए थे? जी हाँ, आए थे। उनको देखे? जी हाँ, आए हैं, देखे हैं, बस देख के बस 15 मिनट में वो चले गए। ठीक है, अभी मैं उनको फॉलोअप करता हूँ कि सर क्या फॉलोअप हुआ है, क्या आपके साइड से हुआ, तो हम प्रपोजल बनाएंगे, हम सबमिट करेंगे, हमारे को हम करेंगे कार्रवाई, ये सब बोलते रहते हैं। बट इसको भी होते होते 3 महीना हो गया है और मुझे नहीं लगता एक गवर्नमेंट एंटिटी को इतना टाइम लगना चाहिए कोई भी चीज़ खुद की चीज़ें मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इंटरनल चीज़ है, इसको फटाफट बना देना चाहिए। ये ऑलरेडी इतनी पैथेटिक कंडीशन में और इतने रिस्क में है जिसकी हद नहीं। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कंप्लेन की थी ट्रैफिक पुलिस से, आज आप कंडीशन देख रहे हैं गार्डन की, इससे काफ़ी ख़राब थी। यहाँ पर इंटरनल पूरी गाड़ियाँ पार्क थी, जैसे कि एक पीछे गाड़ी पार्क है वैसा पूरा ये पार्क था गाड़ी का। यानी आप कह रहे हैं कि जो ये गार्डन है, इस गार्डन के अब तो ये बहरहाल गार्डन है नहीं, इसकी हालत बद से बदतर हो गई है, तो कि इसमें जो है गाड़ियाँ पार्किंग की जाती थी, पार्क करती थी यहाँ के जितने भी एरिया वाले हैं, कार डीलर्स है, तो पार्किंग के लिए आपने किससे शिकायत? मैंने ट्रैफिक पुलिस को कंप्लेन की, मैंने उनको अप्रोच किया, मैंने उनको मेल्स किया, मैंने उनको लेटर्स लिखे, मैंने पर्सनली उनको विजिट कराया, बहुत फॉलोअप किया, तब जाके उनके वहाँ से कोई आया यहाँ पर आए टोइंग। ट्रैफिक पुलिस ने जो है पार्किंग यहाँ से यहाँ पर करी। यहाँ पर जो इंटरनली मैंने बोला कि एटलीस्ट TMC की गाड़ियाँ तो मत करिए करके TMC, तो फिर भी आज भी देखेंगे आप इधर पे अंदर गाड़ियाँ है तो क्यों नहीं लेती है ट्रैफिक पुलिस वाली उसके ऊपर कार्रवाई। कल को बच्चा कोई आएगा गाड़ी को कुछ कर देगा, कुछ डैमेज हो, आग लग गई इसके अंदर, तो कौन जिम्मेदार होगा? TMC की प्रमाइसिस में कौन जिम्मेदार होगा? ये TMC को आगे करना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने यहाँ के जो स्थानीय नेता है, नगर सेवक हैं आपके यहाँ के, क्या इस गार्डन के हालात को बताए थे आपने कि यहाँ की जो गार्डन है उसकी हालात कैसी हो गई, इसके बारे में उनको अवगत कराया? जी हाँ, मैंने MLA साहब को, MLA जितेंद्र अवर साहब को मैंने व्हाट्सएप भी किया था, कॉल भी किया था, उनको पूरे इमेजेस भेजे हैं। उन्होंने बोला है कि उन्होंने कॉरपोरेटर को बोला है, TMC डिपार्टमेंट में उन्होंने लेटर दिया है, बट उनके लेटर और सब कॉरपोरेटर और MLA के लेटर के अलावा उसके बावजूद इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे लिए ताज्जुब। आप कह रहे हैं कि जितेंद्र आवाड और नगर सेवक के को कहने के बावजूद भी यहाँ पर कोई काम नहीं, TMC ने कोई कार्रवाई नहीं की है इस पर? क्योंकि मैंने जहाँ तक बात की है TMC में, तो उन्होंने बोला हाँ हमको पता है, हमारे नोटिस में है, रोड कोटिंग में चले गया है, हमको पता है। लेकिन इतना क्या एटीट्यूड से बात करके उनको क्या मिलेगा? लेकिन बच्चे लोग का कितना रिस्क है, कल को यहाँ पर ट्रांसफार्मर कोई बच्चा चिटक जाता है, उसकी मौत हो जाती है। आप दो एक हफ्ते पहले एक बच्चे का ऐसे ही TMC का वजह से आपने देखा, 2-3 दिन पहले ही एक बच्चे की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। ये सब लापरवाही है। कल को यहाँ पर कोई बच्चा चिटक जाता है ट्रांसफार्मर पर, तो किसकी लापरवाही होगी? है हमारी गवर्नमेंट की होगी। गवर्नमेंट अपनी चीज़ें क्यों नहीं मेंटेन कर पाती? हम इतनी टैक्स देते हैं, क्यों नहीं कर पाते? यानी आप कह रहे हैं कि ये गार्डन की ज़मीन है और गार्डन की ज़मीन में यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर भी लगाया गया है? जी हाँ। तो ये आप धोखादायक है? जी हाँ, धोखादायक है। आप खुद देख सकते हैं पूरा ओपन है, बॉक्स पूरा ओपन है, ट्रांसफार्मर पूरा ओपन है। इस पर कोई भी आएगा तो कुछ भी अगर टच भी हो गया, वो बच्चे लोगों को कहाँ समझ रहती है इतनी कि कहाँ आना है कहाँ नहीं आना है। वो लोग जाके बॉल अगर उधर चले गया, अगर वो चिटक गया तो किसका नुकसान होगा? TMC तो बोलेगी हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं। आप लेटर जो लेकर आए हैं किसका किसका कहाँ कहाँ का लेटर आप लेकर आए हैं? ट्रैफिक पुलिस को है, ईमेल है ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, ईमेल है TMC डिपार्टमेंट हेड को, कमिश्नर को, एडिशनल कमिश्नर को, TMC गार्डन डिपार्टमेंट केदार जो है उनको मैंने पूरे चैट्स भेजे हैं
फिर उसके बाद में मैंने अपने टीएमसी का जो गार्डन डिपार्टमेंट है उनको भी शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद जी हाँ, बिकॉज कैसा होता है हमारे, मैंने ऐसे सोचा कि मैं सिर्फ टीएमसी में ऐसा शो मेल डाल दूंगा या ड्राफ्ट कर दूंगा लेटर तो कुछ नहीं होगा। मैंने उसकी जड़ तक गई, मैंने गार्डन डिपार्टमेंट में फॉलोअप की उनको, ऐसा कोई नहीं होगा जिनसे मैंने फॉलोअप नहीं किया है। बट हावेवर मुझे कुछ सोल्यूशन नहीं दिखता उसका। जब मैं पूछता हूँ कि आप ये गार्डन के लिए जो गाड़ी व्हीकल पार्क होती है यहाँ पर, ये तो ये बोलते हैं कि हम करेंगे। ये बताइए कि जब ये आप कह रहे हैं कि ये टीएमसी का गार्डन है और यहाँ पर गार्डन में जो है एक ट्रांसफार्मर भी लगाया गया है, तो जो ट्रांसफार्मर लगाते वक्त आप लोगों ने क्या इसका विरोध किया था या ऐसा था कि सिचुएशनल ऐसा था कि विरोध करने का प्रॉब्लम नहीं था, इन्होंने तो रातों रात ला के लगा दिए है, ठीक है। तो क्योंकि उनकी खुद की टीएमसी, इनको प्राइवेट लैंड नहीं मिलती मुंब्रा में, जैसे आपको पता है जगह की कमी रहती है, प्राइवेट लैंड कोई देता नहीं है ट्रांसफार्मर के लिए, तो विच इज़ ओके कि उन्होंने गार्डन में चलो ठीक है ट्रांसफार्मर, लेकिन एटलीस्ट उसको मेंटेन तो करिए आप, उसके बाजू में उसकी फेंसिंग ला के रखे हो वो तो लगा दीजिए, वो कर दिया आपने तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन आप वो भी नहीं करोगे, कल को बच्चे का कुछ, आप हर चीज़ इनकम्प्लीट करते हो, आप ट्रांसफार्मर लगाते हो इनकम्प्लीट करते हो, आप गार्डन बनाते हो इनकम्प्लीट करते हो। मेंटेन बनाना आसान होता है सर, मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप इसको मेंटेन करिए, ब्यूटीफुल करिए। मुंब्रा में बहुत कम जगह है जहाँ पर खेल सकते हैं। मैं भी मेरी फैमिली को किधर पे गार्डन में, ऐसा मुझे नहीं पता है कोई गार्डन में मेरी फैमिली को लेके जा सकता हूँ, एटलीस्ट मैं यहाँ पे तो लेके आ सकता हूँ, या कोई दूसरे मुंब्रा वाले बेनिफिट कौसा की जो आवाम है वो सब इसको यूज़ कर सकती है। लेकिन इसको मेंटेन करना इज़ बिग प्रॉब्लम, आप देख सकते हो कुछ भी मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। तो आपने सुना कि उवैस शेख का कहना है कि उन्होंने थाने महानगर पालिका जो स्थानीय यहाँ के नेता है उनसे इस गार्डन की जो है शिकायत की, इस गार्डन के बारे में उन्हें जानकारी दी, लेकिन उसके बावजूद भी इस गार्डन पर यहाँ के किसी भी स्थानीय नेता या थाने महानगर पालिका का कोई भी ध्यान नहीं है इस पर कि इस गार्डन को जो लुप्त हो, जो ख़त्म होने के कागार पर पहुँच गया है ये गार्डन। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चों के खेलने वाली चीज़ें हैं यहाँ पर जो बनाई गई थी उसमें से सारे के सारे सामान जो है सब की कंडीशन बहुत ही बुरी तरीके से हो चुकी है, सब पूरा का पूरा जो है यहाँ पर बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, यानी एक तरह से देखा जाए तो ये गार्डन की हालत एकदम ख़राब हो चुकी है। बात ये होती है कि ठाणे महानगर पालिका की नींद कब खुलती है और कब इस गार्डन को दोबारा हरियाली में तब्दील करती है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।